हेलो फ्रेंड्स, वर्ड के आज इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोगों ने जो माइक्रोस क्रिएट किया था उसे हम लोग एडिट कैसे करेंगे। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को करने तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आगे आने वाले क्लासेस आपसे कभी मिस ना हो। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने पिछली क्लास में एक माइक्रोस को क्रिएट किया था। सपोज आपने अपने फोन नंबर्स के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए यहाँ पे कुछ माइक्रोस को क्रिएट किया, आप वो माइक्रोस का टेक्स्ट वहां पे बनाए हो, लेकिन अचानक ये हो कि आपका नंबर चेंज हो जाए, आपके वेबसाइट का लिंक चेंज हो जाए, तो आप अब चाहते हो कि उसे एडिट करो, तो आपको वापस पूरी मेहनत फिर से करनी होगी, माइक्रोस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा और फिर आप उसे कोई भी चेंजेस कर सकते हो, लेकिन आपको इतना करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, डेवलपर ऑप्शन में आना है, माइक्रोस के ऊपर क्लिक करना है। आपने अभी तक जितने भी माइक्रोस क्रिएट किए हैं अपने वर्ड के अंदर, आपको ये सारे माइक्रोस यहाँ पे दिख जाएंगे। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो, आप जिस भी माइक्रोस एडिट करना चाहते हो आप उसके ऊपर क्लिक करो, उसके बाद आप उसे एडिट, यहाँ पे आप एडिट के बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप उस माइक्रोस को डिलीट करना चाहते हो तो आपको डिलीट का बटन यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन आप अभी तो मैं इसे एडिट करने वाला हूँ तो मैं इसे एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे सामने विजुअल बेसिक्स का, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विजुअल बेसिक्स का आपको एक विंडोज यहाँ पे दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको उस चेंज को यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ कोड्स हैं, ये सारे यहाँ पे कुछ कोड्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये देखिए हम लोगों ने जो हमारे जो नाम है एंडिंग मैसेज माइक्रो वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब इसके अंदर हमारे पास जो उन्होंने टेक्स्ट डाला है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए द ऑल आर वेस्ट, आपको इसके अंदर अब चेंजेस करने हैं। ये मैंने तीन बार यहाँ पे टाइप किए थे इसलिए मुझे यहाँ पे तीन बार तीन जगह पे दिख रहा है। अगर आपने एक बार में टाइपिंग कंप्लीट कर दी है तो आपको ये केवल एक जगह पे ही दिखेगा। तो अब आपको इसके अंदर क्या चेंजेस करने हैं वो आपको अब यहाँ पे सेट करना है। तो अब आप इसे सेट करो, जैसे कि मैं ऑल द वेस्ट जो था उसे मैं अब क्या करना चाहता हूँ, वेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पे मैं वेस्ट है उसे मैं यहां से पहले कंट्रोल प्लस सी करूंगा, यहां मैं द के जगह पे रखूंगा, सॉरी ऑल के जगह पे मैं इसे रखूंगा वेस्ट, और जो द हमारे जो बीच में आ रहा है उसे मैं यहाँ पे ऑफ में बदल दूंगा, और जो ये वेस्ट है उसे मैं लक में बदल दूंगा। और अब मैं सिंपली क्या करता हूं इसे यहां से कट करूंगा, कट करूंगा, हमारा जो कोड था वो सेव हो चुका है, आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। और उसके बाद आपको इस विजुअल बेसिक्स जो एप्लीकेशन है उसका भी जो विंडो आपको खुला है आप उसे भी यहाँ पे बंद कर दो। बंद करने के बाद अब मैं चाहता हूँ उस माइक्रोस को अप्लाई करके देखूं जो मैंने चेंजेस किए वो सच में यहाँ पे फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में शॉर्टकट्स भी जनरेट किए थे। क्या है शॉर्टकट्स आपको याद है, हम लोगों ने अल्ट शिफ्ट और एस बनाया था। यहाँ ये देखिए मेरे सामने वेस्ट ऑफ लक भी हमें लिखा हुआ दिख रहा है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ अल्ट शिफ्ट और एस, आपको ये देखिए वेस्ट ऑफ लक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमारा वेस्ट यहाँ पे आ गया। मैं इसे नीचे कर लेता हूं, इसे मैं कट डिलीट कर देता हूं, इसे मैं यहां से डिलीट कर देता हूं एंटर, और अब मैं अल्ट शिफ्ट और एस प्रेस करता हूँ। ये देखिए वेस्ट ऑफ लक आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो अपने माइक्रोस को। तो इस तरह से भी आपने देखा हम लोगों ने कितनी आसानी से अपने जो पहले जो माइक्रोस क्रिएट किया था उसके मैंने टेक्स्ट को यहाँ पे बदल दिया है। अब टेक्स्ट को बदल सकते हो, अगर आपको कोडिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप उसके जो फंक्शंस है उसके जो स्टेप्स है आप उसमें भी चेंजेस कर सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, आज का क्लास आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।